नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। पूर्णिया एयरपोर्ट की मांग के बाद अब एक और नए एयरपोर्ट की मांग बिहार में उठने लगी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं भागलपुर एयरपोर्ट की। भागलपुर एयरपोर्ट आज ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है और इसके लिए तमाम जो है हाथ उठ रहे हैं, समर्थन में लोग अपने कमेंट्स दे रहे हैं। तो भागलपुर एयरपोर्ट आज ट्विटर पर ट्रेंड हो रहा है, सोशल मीडिया अकाउंट में, ट्विटर पर, माइक्रो ब्लॉगिंग साइट जो है ट्विटर, उस पर आज रविवार के दिन ये पूरी तरह से ट्रेंडिंग में है। तो हम आपको बताएं कि भागलपुर में एयरपोर्ट की मांग, जो एयरपोर्ट की डिमांड है, वो तेज़ होती चली जा रही है। एयरपोर्ट की मांग को लेकर लगातार ट्वीट किए जा रहे हैं, तरह तरह के ट्वीट किए हैं, विपक्षी पार्टियों की तरफ से भी ट्वीट्स किए गए हैं और यूजर्स जो हैं ट्विटर पे लगातार कमेंट्स दे रहे हैं कि भागलपुर में क्यों ज़रूरी है एयरपोर्ट बनना। तो एयरपोर्ट की मांग इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि भागलपुर काफ़ी वीआईपी क्षेत्र भी रहा है। भागलपुर से दो बड़े बड़े बीजेपी के दिग्गज नेता भी चुनाव जीत कर गए हैं संसद में। तो बात करें तो शाहनवाज हुसैन जो सांसद रह चुके हैं भागलपुर से, उसके अलावा सुशील कुमार मोदी जो बिहार के डिप्टी सीएम रहे हैं, वो भी भागलपुर से प्रतिनिधित्व कर चुके हैं संसद में, भागलपुर के सांसद रह चुके हैं। तो अब भागलपुर जो इतना महत्वपूर्ण इलाका है, यहाँ के लिए अब मांग उठने लगी है एयरपोर्ट की मांग, और सोशल मीडिया ट्विटर अकाउंट पर लगातार इसकी मांग उठ रही है और आज ये ट्रेंड कर रहा है। भागलपुर एयरपोर्ट ट्रेंड कर रहा है और हम आपको बताएं कि ये मांग जो है भागलपुर में एयरपोर्ट की मांग साल 2006 से ही होती चली आ रही है। भागलपुर लोकसभा सीट पर उपचुनाव में शाहनवाज हुसैन यहाँ से जीते थे और 2009 के लोकसभा चुनाव में भी शाहनवाज हुसैन जो है भागलपुर से चुनाव जीतकर लोकसभा पहुँचे थे। लगातार दो बार शाहनवाज हुसैन ने भागलपुर की जो नुमाइंदगी की, उसको लेकर फिर एयरपोर्ट के लिए खास कदम, केंद्र में वो मंत्री भी बने थे आपको याद होगा, तो अब जो उनसे लगातार मांग इसके बाद उठने लगी थी शाहनवाज हुसैन के दो दो बार प्रतिनिधित्व के बाद, और लेकिन हालांकि अभी तक ऐसे कोई कदम नहीं उठाए गए। फिलहाल अभी शाहनवाज हुसैन बिहार सरकार में मंत्री हैं। तो एक बार फिर अब ये मांग तेज़ होने लगी है, ट्विटर पर भागलपुर एयरपोर्ट ट्रेंड हो रहा है। तो शाहनवाज हुसैन ही नहीं, जो बीजेपी के दिग्गज नेता हैं, सुशील मोदी की जो हम बात कर रहे थे, सुशील मोदी भी भागलपुर से सांसद रह चुके हैं। साल 2004 में उन्होंने भागलपुर से जीत दर्ज की थी और लोकसभा के सांसद बने थे। हालांकि जिले में एयरपोर्ट को लेकर उनके समय में कोई खास पहल नहीं हुई। तो अभी सुशील मोदी राज्यसभा के सांसद हैं, यानी सुशील मोदी केंद्र में हैं और शाहनवाज हुसैन जो यहाँ का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं वो राज्य में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो अब इतने खास इलाके के लिए भागलपुर एयरपोर्ट की मांग तेज़ होती चली जा रही है। ये मांग पहले से हो रही है लेकिन आज इसे ट्विटर पर ट्रेंड कराया गया है। और आपको बताएं कि अब इसे लेकर सियासत खूब हो रही है, आरजेडी की तरफ से भी ट्वीट किया गया है। उसके अलावा पुष्पम प्रिया चौधरी जो आपको याद होगा क्लूलस पार्टी की अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी ट्वीट्स किए हैं। तो उन्होंने क्या कुछ लिखा है हम आपको बताएंगे। इससे पहले बताएं कि जो भागलपुर में अरुण कुमार यादव हैं, आरजेडी नेता हैं, उन्होंने क्या ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है भागलपुर में हवाई सेवा चालू, रेल मंडल कार्यालय की स्थापना और एम्स खोलने की अंग प्रदेश की जनता का बहुप्रतीक्षित मांगों पर एनडीए के एमपी एमएलए और बड़े नेताओं की चुप्पी दुर्भाग्यपूर्ण है। केंद्र और राज्य सरकार अंग प्रदेश के साथ लगातार सौतेला व्यवहार कर रही है। तो आरजेडी की तरफ से सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया गया है और कहा है कि एनडीए के तमाम एमपी एमएलए जो हैं इस मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्हें भी मुंह खोलना चाहिए और बताना चाहिए कि यहाँ पर एक अंग प्रदेश की जो मांग उठती रही है, एक अंग प्रदेश का मुख्यालय है भागलपुर, तो यहाँ पर क्यों नहीं एयरपोर्ट खोला जाना चाहिए। ये बात करते हुए नजर आ रहे हैं आरजेडी के नेता अरुण कुमार यादव। उसके अलावा पुलिस पार्टी की अध्यक्ष हैं पुष्पम प्रिया चौधरी, उन्होंने जो ट्वीट किया है उसमें लिखा है कि इंडस्ट्री डेवलपमेंट जॉब का लॉकडाउन तोड़ना है तो भागलपुर एयरपोर्ट का लॉकडाउन खोलना होगा, पूर्ण समर्थन। यानी पुलिस पार्टी के अध्यक्षा जो हैं पुष्पम प्रिया चौधरी इस भागलपुर एयरपोर्ट के जो ट्रेंडिंग है, जो मांग है, उसमें पूरी तरह से समर्थन में कूद गई है। तो हम आपको बताएं कि जिस तरह से अब भागलपुर एयरपोर्ट ट्रेंड कर रहा है, मांग तेज़ होती चली जा रही है। दरअसल एयरपोर्ट को लेकर
मोदी सरकार में जो नियम कानून बनाए गए थे, जिसके तहत छोटे छोटे शहरों में भी एयरपोर्ट की सुविधाएं दी जानी है, उसके तहत जो है आपको दरभंगा में एयरपोर्ट का निर्माण हो चुका है। तो बिहार में अब पूर्णिया के बाद भागलपुर से भी ये मांग उठ रही है कि भागलपुर में भी एयरपोर्ट बनाया जाए। तो आप बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ, तमाम ऐसी खबरों से आपको अपडेट कराते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।